ओके तो भाई सोलो सिकोवा बन गए गुड बॉय से बैड बॉय आज के स्मैकडाउन के ऊपर। उन्होंने सारे सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर अटैक कर और दिया उसके पीछे का रीजन सिर्फ एक बंदा था, निक एल्डिस। क्या कुछ हुआ आज के स्मैकडाउन का स्टार्टिंग आई एम जानते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर तो दो। सबसे पहले आज के स्मैकडाउन का स्टार्टिंग में हमें रिंग के अंदर ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी एक साथ देखने को मिलते हैं, क्योंकि डब्ल्यू वाले ने ग्रेसन वॉलर का मैच एडवर्टाइज पहले से ही कर दिया। ग्रेसन वॉलर का जो अपोनेंट थे कार्मेलो ग्राइम्स रिंग के अंदर पहुंच ही नहीं पाते, उससे पहले यहाँ सोलो सिकोवा उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और साथ ही साथ जब सिक्योरिटी गार्ड वाले जब सोलो सिकोवा को रोकने आते हैं तो सोलो सिकोवा सारे सिक्योरिटी गार्ड को ही वहां पर मतलब समोन स्पाइक लगा देते हैं। लिटरली भाई स्मैकडाउन का स्टार्टिंग में ऐसा माहौल बन गया था कि मतलब सोलो सिकोवा जिमूसो मिलकर भाई सारे सिक्योरिटी गार्ड को वहां पर लिटरली क्लियर कर देते हैं। देन सोलो सिकोवा जिमूसो दोनों रिंग की तरफ बढ़ते हैं जो ऑलरेडी रिंग के अंदर थे ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर। और यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर जैसे ही पूरा माहौल को देखते हैं वो दोनों मतलब लिटरली भाई रिंग छोड़कर भाग जाते हैं कि भाई हम लोग को फाइट ही नहीं करना, हम लोग बाद में आकर फाइट वगैरह कर लेंगे। देन उसके बाद हमें रिंग के अंदर हमें असली गुंडा देखने को मिलते हैं पॉल हेवन, जो कि यहाँ पर माइक के साथ वहाँ पर मतलब खड़े होते हैं। पॉल हेवन जैसे जिमू उसो और सोलो सिकोवा के साथ रिंग के अंदर एंटर होते हैं भाई ऑडियंस बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉल हेवन को लिटरली गाली दे रही थी, बहुत ज्यादा बू कर रही थी। पॉल हेवन यहाँ पर बोलते कि देखो मुझे बू करने से कोई फायदा नहीं, मुझे हेट करने से कोई फायदा नहीं, हेट करने का असली जो रीजन होना चाहिए वो निक ऑल्डिस होना चाहिए, क्योंकि निक ऑल्डिस ने पिछले स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंज का फेटल फोर मैच रॉयल रंबल के अंदर बुक कर दिया बिना किसी के परमिशन से, जो इसका कारण मतलब निक ऑल्डिस। लिटरली भाई आपको कैसा लगा जब एक 60 साल का बूढ़ा मतलब भाई गुंडा गर्दी कर रहा है WWE कंपनी के अंदर, मतलब भाई पॉल हेवन का करेक्टर नेक्स्ट लेवल का डब्ल्यू वाले मतलब दिखाते हैं सच। वैसे साथ ही साथ हमें वहां पर निक ऑल्डिस भी देखने को बोलते हैं। निक ऑल्डिस ऐसा बात बोलते हैं कि भाई सोलो सिकोवा को फिर से सुट्टी पुट्टी गुल हो जाता। निक ऑल्डिस पॉल हेवन से इस बात को बोलते हैं कि तुम्हारा गुंडा गर्दी के कारण मतलब दो स्मैकडाउन से दो दो मैच खराब हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें एक मैच देता हूं। आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट के अंदर एजे स्टाइल एले नाइट और हमारे रैंडी ऑर्टन तीनों एक ट्रिपल थ्रेड मैच के अंदर तुम तीनों के साथ फाइट करेंगे। पॉल हेवन यहां पर बोलते हैं कि रोमन रेंज तो आज के स्मैकडाउन के ऊपर नहीं तो ब्लड लाइन के तरफ से एक तीसरा बंदा आखिर कौन फाइट करेगा। तो इसके ऊपर निक ऑल्डिस इस बात को बोलते हैं कि ये मेरा टेंशन है, तुम एक बंदा को ढूंढ कर लो आज के स्मैकडाउन के ऊपर एक मेन इवेंट के अंदर एक ट्रिपल थ्रेड मैच मैं तुम्हारा बुक कर दिया। और भाई आप लोग यहां पर बैनर देख सकते हैं ये मैच एक्चुअली बुक हो चुका आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट के अंदर, जहां पॉल हेवन को एक और लौंडा ढूंढ कर लाना होगा। अगर नहीं ढूंढ कर लाते तो भाई हैंडीकैप मैच के अंदर ये फाइट करेंगे। यार मैं तो ये सोच रहा था कि भाई अगर निक ऑल्डिस अगर पॉल हेवन को अगर इस मैच के अंदर डाल देते तब तो भाई मतलब नेक्स्ट लेवल का मजा देखने को मिलता। वैसे भाई मुझे नहीं पता यार मेरा माइक आज खराब हो गया मॉर्निंग में, तो आप लोग को थोड़ा सा आवाज बहुत खराब दिख रहा होगा मुझे पता है, पर आज के लिए मैनेज कर लो, मैं जाकर तुरंत ही सर्विस सेंटर में इसे बना ले रहा हूं। आज का स्मैकडाउन का स्टार्टिंग सेवन कैसा था सारे लोग कमेंट बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।